आज विदिशा के जालोरी गार्डन में विधवा उत्थान समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वाटरमैन संजय सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वाला इंसान कामयाब हो जाता है, कुछ कहने वाला इंसान कामयाब हो जाता है। विमान मुझे से पाया ओ माता पिता तुम ही है कि हम पुष्प माल से स्वागत नहीं करते हैं, क्योंकि जिस दिन से श्रमदान प्रारंभ हुआ प्रक्रिया यही थी कि नदी में माल्य विसर्जन ना हो, तो ये तय किया गया कि हम जब भी अतिथियों का स्वागत करें तो हम अपने वचन। आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। बनाई और स्कूल में भी मैं अपने बच्चों को डेली एक दो दिन छोड़ता हूँ, विदिशा क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 11 जनवरी 2003 को गठित बेतवा उत्थान समिति का आज वार्षिक आम सभा एवं स्थापना दिवस है। विगत 20 वर्षों से माँ बेतवा के संरक्षण हेतु प्रतिदिन श्रमदान किया जाता है। हम सबकी आज वार्षिक आम सभा में वार्षिक आय व्यय का पत्रक, सचिव प्रतिवेदन एवं जो विगत वर्ष में कार्य हुए उनका ब्यौरा दिया जाएगा। इसी के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र के पर्यावरणविद वाटरमैन के रूप में प्रसिद्ध श्री संजय सिंह परमार्थ को मणिबेन स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थियों में माँ बेतवा एवं पर्यावरण के प्रति जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से स्थापना दिवस के पूर्व प्रतिवर्ष निबंध, चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बेतवा आपकी दृष्टि में विषय पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, तो विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाए।